अपने दोस्तों डक बेबी को देख लेते हैं कि यार ये ठीक है। ओ भाई इधर आओ भाई, वो देखें दोस्तों एंड पे बैठा हुआ मज़े से। आ जाओ भाई इधर आओ, इसको बाहर निकालते हैं। ओए ये देखें भाई, थोड़ा सा एक्टिव हो गया दोस्तों अभी। अब इसको हम क्या करते हैं यार, इसको हम थोड़ी सी फीड वगैरह देते हैं खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार हमारा दोस्त डक का बच्चा जो है माशाल्लाह से ठीक हो गया, और अब इसको जो है ना मैंने रात को एक दफ़ा इसको पानी दिया था, इसे थोड़ा सा दिया था, तो अब इसको जो हम थोड़ी सी डाइट देते हैं, देखते हैं कहीं खाता है या नहीं खाता। चलिए यार, ये मुझे दोस्तों छोटे डक का बच्चा लग रहा है, क्योंकि यार इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। ये देखें अब इसने चलना भी शुरू कर दिया। आ जाओ भाई, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। और इसका आप साइज़ देख ही सकते हैं भाई, कितना छोटा सा बच्चा निकला है यार ये। तो ये मुझे छोटे डक का बच्चा लग रहा है, तो इसको दाना डालते हैं। देखिए यार कैसे घूम ही जा रहा है दोस्तों आप। आ जाओ, वो देखें। तो अपने दोस्तों इन चिक्स को भी खोल देते हैं खा, ताकि इनके साथ ना ही खाए पिएगा ना, तब इसको पता चलेगा। आ जाओ भाई बाहर, ये भी आ गया, तुम भी आ जाओ, चलो अब इनकी फैमिली हो जाएगी। वो भाई ये क्या हो रहा था, ये देखें इनके हाल देखें यार, कितना गंद मचा के रखा है इन्होंने। तो इसमें दोस्तों मैंने दाना डाल दिया, अब देखते हैं खाते हैं कि नहीं खाता। चिक्स यहाँ पे ही आ रहे हैं, तो इसको जो है ना यहाँ इसके अंदर बिठा देते हैं, और इसको ऐसे ऐसे करते हैं। खाओ भाई, ये रहो खाना। अब इसको दोस्तों सिखाना पड़ेगा, तभी जाके खाना शुरू करेगा। दोस्तों ये खाना खाने रहा, ये पानी पी रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसने पानी पी लिया। दाना दोस्तों हम इसके आगे रखे रहने देंगे, ताकि जो है ना खुद ब खुद खाना शुरू कर दे। जो यहाँ पे पैरट्स लेके आए थे माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल ठीक है, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। वहाँ पे थोड़े सुस्त से थे, यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव हैं, ठीक है। ये देखें इनको भी मैंने धूप में रखा, मैंने कहा थोड़ी धूप छुप लगाना है, तो यहाँ पर ठीक रहेंगे। तो यार मैं घर आया हूँ दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है यार। खबरों में बता रहे थे कि आज से बारिश शुरू, मैं खुश से पागल हो गया, लेकिन भाई इतनी धूप निकली हुई यार, हमसे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो अरे भाई बाहर खड़े हुए। ओ भाई पिजन यहाँ क्या कर रहा भाई, अंडे तो नहीं दे दिए भाई इन्होंने? हाँ यार, इसको तो हमने पर निकाल दिया था भाई कि ऊपर ना पहुँच पाए, लेकिन हमारा पिजन मेल देखे दोस्तों ऊपर बैठा हुआ, शायद इन्होंने अंडे ना दे दिए भाई यहाँ पर। नहीं अंडा, अंडे नहीं है, मुझे लग रहा है ये देने वाले हैं, तभी तो यहाँ पर चुप करके बैठा हुआ ही। आप लोगों को दिखाया था दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक डव का बच्चा आया था, और इसके यार हाथ जो है इसकी गर्दन के पीछे जो है ना वो चला गया। ये बेचारा बैठा हुआ इधर को करने की कोशिश कर रहा है, इसको ठीक कर देते हैं ये। अरे भाई चलो भाई, इसका हाथ हमने ठीक कर दिया, ठीक है। दो अंडे रह गए यार, इनमें से भी मुझे लग रहा है बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि यार ये अंडे मुझे फर्टाइल लग रहे हैं सारे के सारे। आजकल में शायद इनमें से भी बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह। और कल दोस्तों मैंने इनको चेक किया था नीचे वाले केज को, तो इसके अंदर दोस्तों बच्चे नहीं आए थे माशाल्लाह। मैंने भी देखा यार इसके अंदर एक बच्चा आ गया है, तो जब दूसरा भी आएगा ना फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बाकी छिलका मैं आप लोगों को दिखाया था दोस्तों, ये देखें एक्चुअल यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस नीचे वाले डब का भी माशाल्लाह एक बच्चा निकल आया। ओए ओ भाई साहब, वो दरवाज़ा खुल गया। ओए भाई, ओए नहीं जाओ यार, बे यार कितनी आ गई अलवी, बे यार ये तो काम गलत हो गया। फिंच भी आई है, एक फिंच है, चार डव्स। ओ बे यार ये दरवाज़ा खुल गया था दोस्तों गलती से, और हमारे परिंदे उस वाली एवरी के अंदर चले गए हैं, इस वाली एवरी के अंदर। टेंशन और बढ़ गई यार, एक तो गर्मी ऊपर से क्या करें। अच्छा यार हमारे इस बारे पेन एक दो अंडे यहाँ पे दिए हैं, और दो अंडे यहाँ पे दिए हैं, दोनों एक एक फीमेल इन दोनों दो अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, ये बड़ा अच्छा काम है। उसको पकड़ के दोस्तों इस वाली एवरी में छोड़ते हैं, यहाँ पे सारी की सारी डब्स और एक फिंच आ गई हमारी। दोस्तों मैंने अभी देखा यार यहाँ पे एक लीजर्ड है, यहाँ पे ये देखें इसकी दुम भी नज़र आ रही है, ये देखें भाई ये बैठी हुई है यहाँ पे, ये चली गई अंदर, ये देखें। इसका मतलब यार यहाँ पे हमारी एक लीजर्ड घूमती है, हमारी नहीं पता नहीं एक लीजर्ड घूमती है, शायद यो ना अंडे इसके खा गई हुई है वाली, क्योंकि इसके अंडे दोस्तों बिल्कुल गायब हो चुके हैं ये देखें। तो भाई एक डब पकड़ लिया हमने, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, चलो जाओ। एक ये बैठी हुई यहाँ पे, इसको यहीं से पकड़ लेते हैं हम अगर आ गई हाथ में तो। अरे आ गई। चलो भाई इसको भी अब छोड़ देते हैं इसके केज के अंदर, तुम भी जाओ भाई, चलो भाई। वो भाई अब सिर्फ दो डब्स रह गई हैं, दो नहीं एक डब रह गई और एक फिंच रह गई है।
तुम सबर करो, मैं तुम्हें भी पकड़ने लगा। उड़ना नहीं ये, या पकड़ ली भाई, पकड़ लिया आपके भाई ने, एक और डॉग पकड़ लिया, तो इसको भी इसके अंदर छोड़ दें। एक फिंच रहेगी यार, बहुत ज़्यादा खपाएगी, तो मैंने इसको पकड़ लूँ पहले। एक डॉग रह गई फिंच को, तो मैंने छोड़ दिया यार, एक डॉग रह गई। तो यार मैंने सारी फिंची सारी डॉग जो है ना एवरी के अंदर छोड़ दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ठीक है, अब सारे दाना पानी करेंगे। और मुझे लग रहा है दोस्तों जो फिंच यहाँ पर आई थी ना, वो बच्चों वाली फिंच थी, जो कि जिसने वहाँ पे बच्चे निकाले हैं, वो वाली फिंच यहाँ पे आ गई थी इस वाली। अभी हमारा डग बेबी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, चिक्स के साथ भी मिलजुल के रह रहा है, और चिक्स को मैंने बंद किया यार, बहुत शरारते ही करते हैं, पूरे दिन घूम ही जाते हैं। डग बेबी आराम से चुप करके बैठा हुआ है, दाना भी उन्होंने खा लिया है, शायद इसने खाया है कि नहीं खाया। अब इसको मैं पानी भी अभी पिला दूँगा थोड़ी देर के अंदर अंदर। और दोस्तों जो अभी यार हमने इनक्यूबेटर के अंदर अपने उसके अंडे रखे हुए हैं ना बटेर के, मुझे नहीं लगता यार उसमें से बच्चे निकलेंगे, क्योंकि सारे अंडे दोस्तों बटेर वाले ख़राब हैं। इसके अंदर जितने भी हमने रखे हुए हैं ना, इस सारे के सारे अंडे मुझे ख़राब लग रहे हैं, इनकी मैंने कैंडलिंग भी की थी, तो अभी तक जो है इनको रखे हुए तकरीबन हफ्ता हो गया दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस इसके अंदर शुरू नहीं हुआ, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि अंडे जो है ना सारे इनफर्टाइल हैं, ख़राब हैं। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, और अब जो है ना तकरीबन मगरिब होने वाली है, ठीक है, और अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार आज, तो इन दुआ कीजिएगा मौसम ठंडा हो जाए, ताकि यार हमारे लिए भी आसानी हो, आप लोगों के लिए भी और परिंदों के लिए भी। तो खैर ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए ज़्यादा अल्लाह हाफिज़। चिड़ा देखें यार क्या कर रहा है, बैठा हुआ सामने, तो उड़ गया।